हाय, गुड मॉर्निंग ऑल। सो वेलकम बैक। सो वी आर बैक अगेन विद अनदर लेक्चर ऑफ फील्ड थ्योरी। सो फार वी हैव स्टडीड द बेसिक्स, द बेसिक्स ऑफ ईएमटी, बेसिक्स ऑफ फील्ड थ्योरी, देन वेक्टर्स एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या देखा था हमने अपनी लास्ट क्लास में? कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के? ऑफ कोर्स तीन टाइप, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। और उसके बाद क्या देखा था? चार्ज। चार्ज का कितने टाइप के चार्ज होते हैं? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे होता है? एक पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। ठीक है ना? सो इन टुडेज लेक्चर विल सी वन ऑपरेटर दैट विच इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, जिसकी हमने पहले भी बात की हुई थी। एंड दूसरा हम देखेंगे कुछ कूलाम्स लॉ एंड कुछ डेल ऑपरेटर के यूसेज। ओके ना? सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी विल बी कवरिंग टुडे। सो डेल ऑपरेटर, द एप्लीकेशन ऑफ डेल ऑपरेटर, जो आपको तीन अलग अलग चीजें बना के देगा। याद रखिएगा, ये तीनों अलग अलग से दिख रही हैं, डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट एंड कर्ल, बट वो डेल ऑपरेटर का ही एक एप्लीकेशन है। एंड विल सी कूलाम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इसकी इम्पोर्टेंस कैसी है, हम इसको आगे डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। ओके, सो आर यू ऑल एंजॉइंग दिस फील्ड थ्योरी ना? यस। ओके, वेरी गुड। सो स्टार्टिंग विद द डेल ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर होता क्या है, मैं पहले भी बात की थी। व्हाट इज डेल, क्या कहलाता है? एक और इसका जिसका हमने नाम दिया था, इट इज वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ओके, इसको हम ट्राइंगल से, आप देखेंगे इसको ट्राइंगल टाइप से इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इसको हम कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, एज नेम सेज इट इज एन ऑपरेटर विच इज ऑफ वेक्टर टाइप, वेक्टर डिफरेंशियल। ओके, दोनों चीजें हैं, एक डिफरेंशियल भी है ये और दूसरा वेक्टर भी है। ओके, सो ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स में आपको अलग अलग फॉर्म में दिखेगा। ऑफ कोर्स हमने, अच्छा, सबको याद है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। देन उसके बाद सिलिंड्रिकल देन स्फेरिकल। सो ये आपके सामने है, आपको स्लाइड में दिख जाएगा। दिस इज डेल बाय डेल एक्स ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ए एक्स कैप के साथ लिखा हुआ है, प्लस डेल बाय ऑफ ए वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई, प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ जो भी आपका क्वांटिटी आएगी इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड। यदि आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर आपको ए एक्स कैप, ए वाई कैप और ए जेड कैप के फॉर्म में आएगा। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ए आर, ऑफ कोर्स यहाँ पर ए रो लिखा हुआ है, ए आर एंड ए रो सेम है, आपके ये रेडियल कॉम्पोनेंट को डिनोट करते हैं। ए आर या ए रो देन कैप, ऑफ कोर्स ए फाई कैप एंड ए जेड कैप के फॉर्म में आएगा, ये तीनों उसके जो बेस वेक्टर्स हैं। एंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ए आर कैप देन जो रेडियल कंपोनेंट है, ए थीटा देन ए फाई, इन कंपोनेंट इसके फॉर्म में आपको डेल मिलेगा। ठीक है, सो डेल है आपका एक ऐसा ऑपरेटर जो आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स में डेरिवेटिव और उसके साथ साथ वो एक वेक्टर क्वांटिटी को जो डिनोट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डेल कैसा ऑपरेटर है? वेक्टर ऑपरेटर है, डिफरेंशियल उसके साथ में है और ये वेक्टर ऑपरेटर है। देन अब देखिए, आपके पास दो टाइप की क्वांटिटी होती हैं, कौन कौन सी? एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो बात करते हैं, चलो अब हमने इस डेल को इन दोनों क्वांटिटी के साथ अप्लाई किया, कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? डेल का कॉम्बिनेशन मैं किसके साथ लगाऊं? एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ।
डेल का कॉम्बिनेशन एक स्केलर क्वांटिटी के साथ, यही तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, ठीक है ना। तो चलो डेल का कॉम्बिनेशन जब मैं एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगाता हूँ, ठीक है, उसको मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो कितने टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट पॉसिबल है? दो टाइप के पॉसिबल है ना। सो डेल किसी वेक्टर क्वांटिटी के साथ या तो डॉट के फॉर्म में आ सकता है या क्रॉस के फॉर्म में, ठीक है। डेल ऑलरेडी एक वेक्टर है, क्वांटिटी आपकी दो टाइप की हो सकती है, या तो वेक्टर हो या स्केलर हो। मैंने डेल को वेक्टर क्वांटिटी के साथ लगाया, उसका मल्टीप्लिकेशन, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कितने टाइप के हमने पढ़े हैं? दो टाइप के, एक डॉट एक क्रॉस। तो डेल का एक बार वेक्टर क्वांटिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा डेल का उस वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक कॉम्बिनेशन ये बना। देन उस डेल का जो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसका प्रोडक्ट किसके साथ? एक स्केलर क्वांटिटी के साथ। यही तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना, और कोई कॉम्बिनेशन हो तो आप बताएं, ठीक है। तो इसी कॉम्बिनेशन के अलग अलग, इसके अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आता है आपके पास डाइवर्जेंस। बेसिकली डाइवर्जेंस को ऐसे आप डिफाइन करते हैं, ठीक है, इमेजिन, ठीक है। वैसे आपको डेफिनेशन सामने दिख जाएगी आपको स्लाइड में, क्या लिखी हुई है? इट इज डिफाइंड एज द नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम ओवर अ क्लोज्ड इंक्रीमेंटल सरफेस। और एक इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू लिमिट डेल वी टेंस टू जीरो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस डिवाइडेड बाय डेल वी, ठीक है। डेल वी इज डिफरेंशियल वॉल्यूम। बेसिकली ये फर्स्ट प्रिंसिपल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको मैं बताऊंगा, फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं, सॉरी, इसको मैं इसके फॉर्म में बताऊंगा ये क्या होता है। आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये आपका देता है डाइवर्जेंस का, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ, ठीक। सपोज यू आर हैविंग एक ट्यूब है आपके पास, गाड़ी का आपने कोई ट्यूब लिया हुआ है, ठीक, जिसमें आपके ऑलरेडी वो एयर फिल्ड है, हवा भरी हुई है उसमें, ठीक है। अब उस पर आप एक पिन लगाते हो, मतलब पिन लगा देते हैं, तो क्या होता है, वहां से हवा बाहर आएगी, उस एयर फ्लो, उस पॉइंट से एयर फ्लो कैसा होगा? यदि मैं इसको डायरेक्शनल की बात करूं तो वहां से क्या होगा, वो डाइवर्जिंग, एंड दैट जो 3D है वो आपका धीरे 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 होते होते हो किसके फॉर्म में आता जाएगा, एक 2D के फॉर्म में। बेसिकली उसका एक पैरामीटर क्या होता है, कम होता जाएगा, इजंट इट। सो यदि मैं इसकी बात, सो वही आउटवर्ड फ्लो जो एयर का डाइवर्जिंग है वो है आपका क्या, डाइवर्जेंस। ये किसके फॉर्म में? फ्लक्स के फॉर्म में। किसी पॉइंट से नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट, एक यूनिट वॉल्यूम से, यदि मैं SI की बात करूं तो 1 m³ वॉल्यूम से कितनी सरफेस बाहर निकल रही हैं, वो कैसा होगा, वो क्या कहलाएगा आपका, डाइवर्जेंस। क्लियर है? ठीक, फॉर्मूले के फॉर्म में आपको ये लिखे हुए हैं कि डेल डॉट एफ जो होता है बेसिकली वो डाइवर्जेंस कहलाता है, ठीक। सो यदि ऐसा हो कि एक ऐसे आपके पास कोई अरेंजमेंट है जिससे क्या हो कि फ्लक्स यहां से निकल रही है और वापस घूम के उधर तरफ क्या हो जाती है, वापस वहीं पे आ जाती है, यहां से निकली ऊपर गई और वापस उसी जगह पे आ गई, ठीक। या आपने एक आपने एक्सपेरिमेंट में, ये स्कूलिंग में पढ़ा होगा, यदि आप किसी, सपोज एक ये पेन है, ठीक है, पेन, ठीक, ये कंडक्टर है या इंसुलेटर, आई मीन ये प्लास्टिक कैसा है, कंडक्टर या इंसुलेटर? इंसुलेटर। तो यदि मैं इसमें कंडक्टर को, इसको इसमें कंडक्टर को इसमें लगाता हूं और उसको मैं क्या देता हूं, एक एनर्जाइज करता हूं, ठीक, वो किस फॉर्म में जाके रुकेगा, वो नॉर्थ साउथ में। ऑल तो ये क्या है, ये मैग्नेट नहीं है, बट उसके इफेक्ट की वजह से किसके फॉर्म में लिखेगा, और इस अरेंजमेंट को क्या कहते थे, सोलेनोइड, कहते थे सोलेनोइड, ठीक।
तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट आता है कि यदि आपने एक ऐसा अरेंजमेंट दिया कि फ्लक्स क्या हो रही है, इस आउटवर्ड फ्लो हो रहा है और वहां से निकल के वापस उसी जगह पे आ रहे हैं, मतलब क्या बना रहा है, वो एक सोलेनोइडल बना रहा है उस टाइम पे। आउटवर्ड फ्लो तो उसका क्या हुआ, जीरो। नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ फ्लक्स कितना हुआ, जीरो, मतलब डाइवर्जेंस क्या हुआ, जीरो। तो यहां पर एक चीज आती है कि इफ द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, दैट मींस दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल वेक्टर। कौन सा, सोलेनोइडल। आप लिख लो, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर इज जीरो, दैट मींस दैट वेक्टर इज सोलेनोइडल वेक्टर। ठीक है, बाकी आपके फॉर्मूले आपके सामने हैं। तो आपने क्या करना है, एक वेक्टर आपको दिया हुआ होगा, आपको बोला जाएगा कि प्रूफ वेदर आप या तो इसका डाइवर्जेंस निकालें, या बोला जाएगा कि इसको आप प्रूफ करें कि सोलेनोइडल है। मतलब यदि सोलेनोइडल पूछा गया, दैट मींस आपको डेल डॉट एफ को जीरो प्रूफ करना है, मतलब डेल डॉट एफ आप लगा लेंगे तो वो आपका जीरो मिलेगा। जीरो मिल रहा है दैट मींस वो सोलेनोइडल है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, और वैसे भी जब डेल डॉट एफ निकालेंगे आप, डेल बी वेक्टर एफ बी वेक्टर दोनों का डॉट प्रोडक्ट, कैसी क्वांटिटी मिलेगी, एक वेक्टर स्केलर क्वांटिटी मिलेगी ना, स्केलर क्वांटिटी, कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सो यही है आपका नेट आउटवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लक्स। समझ में आ रहा है, करेक्ट। नेक्स्ट अपना आता है क्या आएगा, नेक्स्ट कर्ल। ठीक, कर्ल क्या देगा, उसी डेल का वेक्टर क्वांटिटी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। सो दैट मींस क्या हो रहा है आपका, ऑफ कोर्स यहाँ पे अगेन इसकी मैं डेफिनेशन दी है, सर्कुलेशन ऑफ अ वेक्टर फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड पाथ इज गिवन बाय कर्ल ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का एक क्लोज पाथ किया गया अराउंड उसका सर्कुलेशन। ठीक है, बेसिकली ये कर्ल आपको वेक्टर का रोटेशन बताता है। ठीक, यदि वेक्टर रोटेटिंग है तो उसका कर्ल एक नॉन जीरो क्वांटिटी मिलेगी, और यदि कर्ल जीरो हो गया दैट मींस वो वेक्टर रोटेट नहीं कर रहा है। ठीक है, इरोटेशनल वेक्टर है। समझ में आया, इसको हम लिखेंगे कैसे। पहली चीज, डेल क्रॉस एफ, आपको एक वेक्टर क्वांटिटी दी हुई होगी, उसका डेल के साथ आप जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यही होता है। तो डेल क्रॉस एफ विल बी योर कर्ल, या एफ या ए बी वट एवर, डेल क्रॉस एनी वेक्टर विल बी या द कर्ल ऑफ दैट वेक्टर, एंड दैट गिव्स द रोटेशन ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, दैट शोज वेदर दैट वेक्टर इज रोटेटिंग और नॉट। ठीक है, सो यहां पर इसमें देख भी सकते हैं आप, ये क्या लिखता है आपका, इट इज मैक्सिमम सर्कुलेशन ऑफ एनी वेक्टर पर यूनिट एरिया एज एरिया टेंड्स टू जीरो, वेयर और उसके डायरेक्शन, वेयर डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड कर्ल ऑफ एफ, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर। ठीक, ये भी आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स में दिया हुआ है, डेल क्रॉस एफ कार्टेशियन में, सिलेंड्रिकल में, स्फेरिकल में। क्लियर है, यदि हमारा डाइवर्जेंस जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस जीरो होने पे क्या होगा, सोलेनोइडल वेक्टर होगा, और कर्ल जीरो होने पे इरोटेशनल वेक्टर होगा। याद रहेगा पक्का, इसको आप ऐसे भी याद रखो, डेल का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इज डाइवर्जेंस, डी से डाइवर्जेंस, डी से डॉट। एक डेल का वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज कर्ल, सी से कर्ल, सी से क्रॉस। याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, अभी लिख लो इसको, डेल का किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट इज डाइवर्जेंस, और इफ डाइवर्जेंस इज जीरो इज
सोलेनोइडल वेक्टर, डेल का एक वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट इज कर्ल, सी से कर्ल, सी से क्रॉस प्रोडक्ट, देन इसके इट विल बी इजी टू रिमेंबर, एंड इफ कर्ल इज जीरो दैट मींस दैट वेक्टर इज इररोटेशनल। फाइन, याद रहेगी। तो ये चीज आपको निकालना है, आई विल गिव एक एक्सरसाइज भी दूंगा इस पे बेस्ड में, ठीक है। और इस ये 100% आपसे पूछा जाता है कई जगह, कई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये, ठीक है, क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा। नाउ अब एक और कॉम्बिनेशन कौन सा बचा, करेक्ट, डेल का एक एक स्केलर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट, वो कहलाएगा आपका ग्रेडियंट। डेल कैसा है, एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको आप स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बेसिकली क्या हो जाएगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। क्यों, क्योंकि वो उस डायरेक्शन में, उस स्केलर क्वांटिटी पर यूनिट, उस पर यूनिट डायरेक्शन में क्या दे देगा, उसके डेरिवेटिव। समझ में आया, एक स्केलर क्वांटिटी है, यदि आपने डेल के साथ उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहली चीज तो क्या हो रहा है, ये डिपेंडेंट जो भी है, तो एक्स वाई जेड या आर फाई जेड या आर थीटा फाई, इसके डायरेक्शन में सबसे पहले क्या होगी, वो डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशियल होगा, और डिफरेंशियल होने के बाद उन्हीं बेस वेक्टर के अलोंग वो उसकी डेरिवेटिव मिल जाएगा आपको, तो वो जो स्केलर क्वांटिटी थी वो कैसी बन जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया, सो ऑपरेशन ऑफ अ डेल ऑन अ स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसमें प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है, एंड व्हाट ग्रेडियंट डज, इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस। ग्रेडियंट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, याद रखिएगा इसको, ये इसकी दो, बाकी दो प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है सामने आपके, बट आप इसको ये समझ सकते हैं कि ग्रेडियंट क्या क्या करता है, इट गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, याद रहेगा पक्का। सो ऑन अ समरी नोट कैसे करें, ऑन अ समरी नोट ऑफ दिस क्या कैसे हम देखेंगे इसको, हमने देखी देखा डेल ऑपरेटर, ठीक है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, उनको हमने दोनों स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के साथ और उनका ऑपरेशन देखा। तो ऑपरेशन में जब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी के साथ देखते हैं तो दो टाइप से ऑपरेशन पॉसिबल है, या तो डॉट ऑपरेशन हो या क्रॉस ऑपरेशन हो, तो डॉट ऑपरेशन इज डाइवर्जेंस, क्रॉस ऑपरेशन इज कर्ल। और यदि डेल का ऑपरेशन किसके साथ, एक वेक्टर स्केलर फंक्शन के साथ हुआ, स्केलर क्वांटिटी के साथ हुआ, तो दैट विल गिव्स द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज पर यूनिट डिस्टेंस, और उसको हम कहेंगे ग्रेडियंट, याद रहेगा। फाइन, सो इस पर बेस्ड एक छोटी सी एक्सरसाइज है, ठीक, क्या एक्सरसाइज है, इसको अभी 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 इसको चाहें तो आप इसको पॉज करके इसको अभी प्रूफ करें, ठीक है। क्या प्रूफ करेंगे, ये प्रूफ करेंगे आप कि एक फील्ड आपको दी हुई है, वेक्टर ए, मैं यहां पर बोल देता हूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वाई जेड इन द डायरेक्शन ऑफ ए एक्स कैप प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वाई कैप प्लस एक्स वाई इन द डायरेक्शन ऑफ ए जेड कैप। इसको वेरीफाई करें, इट इज बोथ इररोटेशनल एंड सोलेनोइडल। क्या बताने की जरूरत है कि आपको क्या करना है, अभी वेरीफाई करें, ठीक है, वीडियो पॉज करें, इट विल टेक हार्डली, इट विल टेक 30 to 45 seconds, ठीक, इतना करें एंड इसके बाद इसको आप चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है, फाइन, ओके। सो नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर फील्ड थ्योरी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, इट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ, ठीक है। अब हम थोड़ी सी कूलाम लॉ के बारे में बात करते हैं। कूलाम लॉ, पहली चीज तो नोट कर लें आप कूलाम लॉ हो के, कूलाम लॉ एप्लीकेबल है किन पे, पॉइंट चार्जेस पे, ठीक है। दूसरा, ये एप्लीकेबल है स्टैटिक चार्जेस पे, मूविंग चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मूविंग चार्ज होंगे तो कई और दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडरेशन में आएंगे, बट जो आपके पास दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज वो स्टैटिक चार्ज होने चाहिए, स्टैटिक होने चाहिए, और दूसरा
पॉइंट चार्ज होने चाहिए। पॉइंट चार्ज क्या होते हैं, लास्ट लास्ट वीडियो में हमने बताया था इसको, क्या होते हैं पॉइंट चार्ज, अ चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन अ पॉइंट। और पॉइंट क्या होता है, एक पॉइंट एक डायमेंशनलेस, एक पॉइंट क्या होता है, एक डायमेंशनलेस आप कह सकते हैं क्वांटिटी, ठीक, ना तो जिसकी कोई लेंथ है, ना कोई सरफेस है, ना कोई वॉल्यूम, ठीक। सो पॉइंट चार्ज, देखिए इसमें आपको डेफिनेशन भी लिखी है कि पॉइंट चार्जेस मींस दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस व्हिच इज सेपरेटेड ऑन अ सरफेस और अ स्पेस वेयर ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस आर वेरी वेरी स्मॉल टू अदर डायमेंशन इन विच द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इज टू बी स्टडी। मतलब ये इसके फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक ऐसा पॉइंट, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका डायमेंशन उसके दूसरे डायमेंशन में, चाहे आपकी लाइन हो, सरफेस हो, वॉल्यूम, उसके में बहुत 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 छोटा है, जिसको हम यही मान सकते हैं कि उस पॉइंट पे ही सारा का सारा चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक, क्लियर। नाउ सो अब ये जो अपने कूलाम थे, एक बेसिकली फ्रेंच आर्मी में एक एक कर्नल थे, तो इनका नाम था चार्ल्स कूलाम, ठीक है। वो उनका क्या था कि वो जानना चाहते थे कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, तो उन्होंने उसको अब देखा, देखा कि कैसे इसमें करें। तो उन्होंने कुछ अपने पोस्टुलेट्स किए, क्या कहा कि उनने कहा पहली चीज, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगता है, वो चाहे किससे हो, न्यूटन से बड़े प्रभावित से सारे के सारे, जितने जितने भी लोगों ने इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जितनी भी स्टडी करी है, वो सारे के सारे न्यूटन से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे, ठीक। क्या उनने सबसे पहले अपने पहले पोस्टुलेट्स दिए, एंड रिमेंबर दिस इज द ओनली लॉ विच प्रूव्स कि लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हम कहते हैं ना कि अपोजिट अट्रैक्ट, कहां से आता है, इस लॉ से आता है, ठीक। अभी आप देखेंगे कि ये कैसे, तो उन्होंने ये कहा अपने चार्ल्स कूलाम ने, क्या कहा कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच, मतलब दो पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पे हैं, ठीक, कोई एक तो डिस्टेंस पे है, तो कहते हैं पहली चीज तो ये है कि जो फोर्स लगता है, फोर्स लगता है एक लाइन के अक्रॉस, वो लाइन जो इन दोनों चार्जेस को जॉइन करती है। पहली चीज कैसे फोर्स कैसा लगता है, ये लाइन के अक्रॉस फोर्स लगता है जो इन दोनों चार्जेस को जॉइन करती है, क्लियर। दूसरा, जो फोर्स लगता है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन फोर्स हो, ठीक। अभी हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, हम आगे चल के देखेंगे कि वो आपका अट्रैक्शन वाला फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, अभी हम इसको देखेंगे। तो जो दोनों चार्ज, जो दोनों चार्ज है इन दोनों के बीच, पहला पहली तो पॉइंट ये, पहला पॉइंट ये हुआ कि इन जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगी, उस लाइन के अक्रॉस ही ये फोर्स लगेगा, इसी के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। दूसरा, दैट फोर्स जो इन दोनों चार्जेस के, पॉइंट चार्जेस के बीच में लग रहा है, वो इन दोनों चार्जेस का जितना भी मैग्नीट्यूड है, इनके मल्टीप्लीकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस, क्लियर। थर्ड, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। क्या हुआ, हमारे तीन पॉइंट, तीनों को याद रखिएगा, क्या, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एक्ट्स अलोंग द लाइन विच जॉइंस दीज टू चार्जेस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज टू चार्जेस एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, क्लियर। ये तीन चीजें होती हैं जो ये आपका मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, फोर्स है, यहाँ पर फोर्स के ऊपर आपका वेक्टर नहीं लगाया, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है,
अभी यहाँ पर ये शो है, एफ के ऊपर आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो वेक्टर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैंने कहा यदि इन दो दो पॉइंट चार्जेस हैं एक दूसरे से डिस्टेंस आर डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इसका जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा क्यू वन एंड क्यू टू, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, ज्वाइन करेंगे आपको एक जब प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, यहाँ पर के आया आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट जो है ये मीडियम डिपेंडेंट है। ठीक, इसकी वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, ठीक, इसकी वैल्यू होती है के इट इज 1/4 पाई एप्साइलन। यहाँ पर एक नया पॉइंट आता है आपका एप्साइलन, व्हाट इज एप्साइलन, एप्साइलन इज द परमिटिविटी। ठीक, दोज हु डोंट नो परमिटिविटी, अब वैसे तो आप जानते होंगे। ठीक, ये चलिए मैं आपको, यदि आपको इंग्लिश में इश्यू है परमिटिविटी का तो इसको क्या बोल देते हैं हम, इसको परावैद्युतांक, इफ यू डोंट नो इन इंग्लिश, बट यू मस्ट नो इंग्लिश, मैंने अभी बता दिया है, आगे चल के नहीं बताऊंगा। ठीक है, एप्साइलन इज परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दीज टू चार्जेस आर लोकेटेड। ठीक, क्लियर है, यूनिट क्या होगी एप्साइलन की, फैराड पर मीटर, फैराड पर मीटर। ठीक, चले, अब एप्साइलन बेसिकली दो टाइप का, क्या इट इज एप्साइलन आर विच इज रिलेटिव परमिटिविटी एंड एप्साइलन नॉट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एप्साइलन नॉट इज फिक्स्ड, हर जगह पे एप्साइलन नॉट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1/36 पाई × 10⁻⁹ फैराड पर मीटर, रिमेंबर दिस, फैराड पर मीटर, इसकी यूनिट नहीं भूलना। ठीक है, यहां पर अभी मिला है आपको परमिटिविटी, जब आप इसका मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे मिलेगा म्यू, वो होगा आपका परमियाबिलिटी, उसकी यूनिट होगी हेनरी पर मीटर। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा मैं कि आपके आसपास जितनी चीजें हैं यहां पर आपकी परमिटिविटी भी है और परमियाबिलिटी भी है, मतलब यहां पर यूनिट डिस्टेंस पर एक फैराड क्या होता है बेसिकली, फैराड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की, तो पर यूनिट डिस्टेंस पे कैपेसिटेंस भी है और पर यूनिट डिस्टेंस पे आपका क्या है, H, हेनरी, क्या होता है हेनरी, किसकी यूनिट होती है हेनरी, हाँ L, व्हाट इज L, L क्या होता है, या टेल मी व्हाट इज द L, दिस इंडक्टेंस, उसी की यूनिट होती है ना, तो आप सोचिए पर यूनिट डिस्टेंस पे आपको कैपेसिटेंस भी मिल रहा है और इंडक्टेंस भी, हम इसको भी देखें, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो परमिटिविटी इज एप्साइलन एंड एप्साइलन इट इज इक्वल टू एप्साइलन आर इनटू एप्साइलन नॉट, एप्साइलन नॉट विल बी फिक्स्ड 1/36 पाई × 10⁻⁹ फैराड पर मीटर, विच इज इक्वल टू, आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं 8.854 × 10⁻½ फैराड पर मीटर। ठीक है, आपके ये कैलसी में भी होता है, आप चेक कर लो, कैलसी का जो कवर होता है ना, कांस्टेंट की वैल्यू उसमें लिखी होगी एप्साइलन नॉट की, यहाँ के लिए लिखी होती है। ठीक है, एंड एप्साइलन आर ये होगा जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, ये मीडियम पे चेंज करती है, आप एयर में लोगे तो एप्साइलन आर विल बी वन, वाटर में लोगे तो एप्साइलन आर विल बी डिफरेंट अदर देन वन, देन और कहीं पे लेंगे आप तो वो उसमें एप्साइलन आर वो और डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है, तो एयर के लिए एप्साइलन आर की वैल्यू होती है वन। ठीक, एयर और फ्री स्पेस के लिए एप्साइलन आर कितना होता है, वन होता है। ठीक है, एप्साइलन नॉट विल बी फिक्स्ड, इसके ये यूनिट यूनिट और ये कॉन्स्टेंट याद कर लेना, ये आपको जरूरत पड़ती है आगे। क्लियर है, सो दिस इज हाउ, अब इसको आप आगे देखेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं, एक छोटा सा प्रूफ देखते हैं कि कैसे ये काम करता है, वेक्टर फॉर्म देखते हैं और इसको हम देखते हैं कितना ये फॉर्म कैसे ये निकलता है। ठीक, वेक्टर फॉर्म में आपने यहाँ पे स्लाइड में दिख रहा होगा कि एक दो चार्जेस हैं आपके,
जो Q1 एंड Q2 एक डिस्टेंस R से सेपरेटेड है, ठीक है। अब देखिए आप इसमें दिख रहा होगा जो Q1 के में जो फोर्स लग रहा है वो है, मैंने कहा उसको F12। F12 कौन सा फोर्स है? जो पहले वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है किसकी वजह से? 2 की वजह से, ठीक है। वो कितना होगा? ऑफ कोर्स दोनों दोनों जो क्वांटिटी है Q1 Q2 जो दोनों चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उनकी जो डिस्टेंस है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक। और F क्या है? एक F क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तो उसकी डायरेक्शन भी होगी ना। तो डायरेक्शन मैंने क्या बताई थी? अलोंग द लाइन विच जॉइंस दीज टू चार्जेस, इसी क्या मैंने कहा ए कैप ऑफ A12 ऑफ कैप, क्लियर है। तो A12 ऑफ कैप क्या होगा? हमने यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ दैट वेक्टर, वो उसके फॉर्म में आपको लिखा होगा, ठीक। सिमिलरली यदि हम 2 पे निकालें, मतलब फोर्स F21 बोलूं मैं, तो F21 पे जो लगेगा फोर्स वो किसकी वजह से होगा? F2 पे जो फोर्स लग रहा है Q2 पे जो फोर्स लग रहा है Q1 की वजह से, ठीक है। वो कितना होगा? वो भी सेम होगा Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर, जो लाइन ज्वाइन करेगी और ये इसके अलोंग फोर्स लगेगा, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? A ऑफ 21 कैप। सिमिलरली आप इसमें देखेंगे, बस अब यहां पर जो होगा A21 कैप और A12 कैप, ठीक। ये कैसे होंगे? ये ऐसे होंगे कि एक दूसरे से ऑपोजिट, ठीक, एक दूसरे से ऑपोजिट, क्लियर है। यदि दोनों सेम चार्ज हैं तो आप अभी इसमें देखोगे ये हमेशा ये जो निकलेंगे दूसरे ऑपोजिट में। अब यदि आपने ले लिया एक नेगेटिव चार्ज तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव को कैंसिल कर देगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो कैंसिल हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? डायरेक्शन दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये Q1 पे जो चार्ज लगेगा वो इस तरफ लगाएगा, Q2 पे जो लगेगा तो इसी तरफ लगाएगा, तो क्या होंगे? दोनों अट्रैक्ट होंगे, है ना। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। दोनों की जो लाइन होगी, जिस जो लाइन जिसको ज्वाइन करेगी तो फोर्स लगेगा, तो कैसे लगेगा? जो दोनों दोनों की साइड लगेगा। और तो यदि सेम चार्ज हुए तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव है जो अपने यूनिट वेक्टर्स थे, तो कैसे हो जाएंगे? दूर होते जाएंगे, एक दूसरे से दूर जाने के लिए फोर्स लगाएंगे। अभी क्लियर ऑन दैट? समझ में आया है ना। यही होता है कि यदि लाइक चार्जेस हुए, सेम चार्जेस हुए, यानी दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज हुए, तो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाने के लिए फोर्स लगाएंगे। और यदि दोनों अनलाइक चार्जेस हुए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? दोनों पास आने के लिए फोर्स लगाएंगे, उतना ही फोर्स। बात समझ में आ रही है? सो दैट्स व्हाई वी कैन प्रूव दैट, वी कैन से दैट दिस प्रूव दैट अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड लाइक चार्ज सॉरी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। समझ में आया सबको? ठीक। अब इसका आपको एक कंपैरिजन देखते हैं। मालूम इस पर मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आपका थोड़े से मैकेनिक्स के भी डाउट आपके अच्छे से क्लियर कर देगी। आपको पता है सपोज आप और आपका एक फ्रेंड, ठीक, आप एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हैं, कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, एंड आप दोनों के अंदर 1% इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन ज्यादा है, सपोज 1% इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक। आप दोनों के बीच में, आप और आपके फ्रेंड के बीच में मालूम है कितना फोर्स लग रहा है? एनीवन, जिसको आप कोई एक अंदाजा लगाए कितना फोर्स, ठीक। चले वैसे तो आपको अभी मालूम चल जाएगा कैसे, इतना फोर्स लग रहा है कि उतने फोर्स को यदि आप एक साथ इकट्ठा करें तो उससे वो काफी होगा आपकी पूरी अर्थ को उठाने के लिए, इजंट इट? आपकी पूरी अर्थ को उठाने के लिए इतना फोर्स लग रहा है,
है ना, बड़ी मिरेकल क्या, ये इतना फोर्स हमारे आसपास लग रहा है, इसके बाद भी सारी चीजें बैलेंस्ड हैं, बाइंड पूरा करके रखा हुआ है। ठीक, अभी मैं आपको कुछ डेटा देता हूं और आपको बस निकालना है कि कितना कितना लग रहा है। ठीक है, मैंने हमेशा कहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है आपका, इट इज फार 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। आज हम उसका कंपैरिजन आपको एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक, सो कैसे, इसमें आपको ये देखना है कि अपना जितना जो भी बॉडी है किससे बनी हुई है, एटम से। एटम के अंदर क्या है आपके, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कैसे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेंगे, मतलब बाइंड करके रखेंगे। इसीलिए पहली चीज, एटम तो आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, और दूसरा वो आपने क्या कहा था, इतना बाइंड अप करके रखता है चीजों को। ठीक, क्लियर है। सो यदि मैंने यही कहा कि आप और आपका एक कोई फ्रेंड हो एक सर्टेन डिस्टेंस पे, और 1% भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इतने दो लोग के बीच में इतना फोर्स लगता है जिससे पूरी अर्थ को उठाया जा सकता है। ठीक, इसको आप खुद से ही प्रूफ कर सकेंगे, कैसे, आज की एक्सरसाइज से। तो हियर कम्स योर एक्सरसाइज फॉर द डे। आपको कंपेयर करना है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। ठीक, हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना, नंबर, चलो ठीक है, पीरियोडिक नंबर बता दो आप। ठीक, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, यही होता है ना, सबको वेट पता है प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का वेट पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। ठीक है, अब क्या होगा कि अब आपको मैंने कहा कि अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 5.3 × 10⁻¹¹ मीटर। इतनी डिस्टेंस है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन और उस प्रोटॉन के बीच में। आपको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगेगा, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, अगेन हमने अभी पढ़ा कूलाम लॉ से। कूलाम लॉ, एफ इज इक्वल टू 1/4 πε। सपोज मैंने कहा फ्री स्पेस में है, तो आप एप्सिलॉन नॉट ले लेना। ठीक है, Q1 Q2 / r² इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर ऑफ कोर्स। तो अब इसमें क्या होगा कि Q1 और Q2 क्या है, Q1 होगा आपका इलेक्ट्रॉन, Q2 होगा प्रोटॉन, R क्या होगी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, ये जो आपको दी हुई है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सबको पता है कितना, हाँ वही 1.6 वाला। ठीक है, तो उन दोनों का इसमें, और आपको निकालना कितना। देन इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे, सबने मैकेनिक्स पढ़ी है ना, न्यूटन वाला है, हाँ वही न्यूटन वाले फॉर्मूले से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे। और उसके बाद आप देखोगे, जब आप इसमें आपको जो इससे जो वैल्यूज मिलेंगी, इसमें आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इट इज क्रोर उसके ऊपर एक और क्रोर, 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 इतने टाइम्स ग्रेटर है ग्रेविटेशनल फोर्स से हाइड्रोजन एटम में। सोच लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कितना बाइंड अप है, तो सोचिए जब एक उनके बीच में इतना, तो हम सब किससे मिलके बने हैं, उन्हीं एटम से मिलके बने हैं, उन्हीं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर है। तो मैंने कहा था पहली स्लाइड, पहले अपने लेक्चर में, ये एक बाइंडिंग फोर्स है, जितनी भी चीजें हैं उसको इसने क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा हुआ है। ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज। ठीक, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग, यदि आपको इसमें से नहीं आ रहा है, यदि नहीं निकालते आ रहा है, आई विल हेल्प यू, बट एक बार ट्राई जरूर करना, जस्ट गिव इट अ ट्राई कि आप इसको निकाल सकें। ठीक, जितना इसके अंदर आप घुसेंगे, जितना डीप में इसकी स्टडी करेंगे, यू लव इट, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ योर इंजीनियरिंग। ओके,
सो ऑन अ समरी नोट फॉर टुडेज लेक्चर, आज हमने क्या क्या देखा? हमने डेल ऑपरेटर देखा है. डेल ऑपरेटर क्या होता है? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसके तीनों फॉर्म देखे. देन उसके बाद हमने क्या देखा? डाइवर्जेंस, कर्ल एंड ग्रेडियंट देखा. देन कूलाम्स लॉ देखा, कूलाम्स लॉ के एप्लीकेशन कैसे क्या होते हैं आपने ये देखा. और ये प्रूफ किया कि लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. एंड ऑन अ कंक्लूडिंग नोट हम इस एक्सरसाइज में हम ये देखेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज फार 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. यू आर अ ग्रेट ऑडियंस, ग्रेट स्टूडेंट्स. थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू ऑल.